गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम देख चुके थे कि शैक्षिक उद्देश्य क्या है, प्राप्य उद्देश्य क्या है, उनमें अंतर क्या है। आज अपन देखेंगे कि उन उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो आपको बताऊं, किसी भी कार्य को करने से पहले आपको उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में जब आप उद्देश्यों का निर्धारण करते हो तो उन उद्देश्यों को शैक्षिक उद्देश्य कहा जाता है, और जब आप उनका मूल्यांकन करते हो तो मूल्यांकन में यही बात जानी जाती है कि जिन शैक्षिक उद्देश्यों को आपने निर्धारण किया था उनकी प्राप्ति कहाँ तक हुई, वही क्या कहलाता है, मूल्यांकन। तो शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण कई गणितज्ञों ने, मनोवैज्ञानिकों ने किया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो वर्गीकरण है वो माना जाता है ब्लूम का, बेंजामिन ब्लूम जो है उनका वर्गीकरण शैक्षिक उद्देश्यों का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को मानव व्यवहार से जोड़ा। किससे जोड़ा? मानव व्यवहार से जोड़ा, कि मनुष्य जो व्यवहार करता है उसके आधार पर, जैसा आपको पता है कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अब उन उद्देश्यों को मानव व्यवहार से जोड़ा, शिशु व्यवहार, बालक व्यवहार से जोड़ा कि किस प्रकार से ये उद्देश्य कार्य करते हैं। तो उन्होंने उस मानव व्यवहार के आधार पर तीन पक्ष बताए, ज्ञानात्मक क्षेत्र का पक्ष और भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञान यानी स्मृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, भावात्मक यानी संवेगों से, नैतिकता से, मूल्यों से जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक यानी कार्य कौशल से जुड़ा हुआ पक्ष है। तो मानव व्यवहार में तीनों चीजें होती है, उनकी बौद्धिकता, उनकी नैतिकता, संवेगात्मकता, और उनका हस्त कौशल या कार्य कौशल। ये तीनों चीजों को जोड़कर ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। तो आज सबसे पहले देख रहे हैं अपन ज्ञानात्मक पक्ष के या ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य उन्होंने कौन कौन से बताए। उन्होंने ज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये छह तरह के उन्होंने उद्देश्य बताए हैं, शैक्षिक उद्देश्य बताए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है, कोई अनुभव से जोड़ा जाता है, कोई ज्ञान दिया जाता है, तो वो उसे सबसे पहले अपनी स्मृति में लेता है। तो ज्ञान जो उद्देश्य है उसका क्या तात्पर्य है कि जब भी किसी बालक को कोई विषय वस्तु जब पढ़ाई जाती है विभिन्न शिक्षण विधियों, सहायक सामग्रियों के द्वारा, तो वो उसे क्या करता है, प्रत्याभिज्ञान करता है। तो ज्ञान उद्देश्य में मुख्य दो बातें आती है जो बालकों में परिवर्तन करेगी, उनके व्यवहार में परिवर्तन करेगी, एक तो प्रत्याभिज्ञान और एक प्रत्यास्मरण। जब बालकों को कोई चीज सिखाई जाती है तो वो उसका प्रत्याभिज्ञान करता है, अपने स्मृति में लेता है और पुराने ज्ञान से उसे जोड़ता है, प्रत्यास्मरण करता है, पुरानी पढ़ी हुई चीजों को स्मृत करके उससे जोड़ने का प्रयास करता है, तो वो कौन सा उद्देश्य कहलाता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाता है, ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान उद्देश्य कहलाता है। जैसे आपने किसी बालक को बताया कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, ठीक है, जिसके तीनों कोणों का कुल मान इतना होता है, 180 डिग्री होता है, तो वो चीज बालक के किस क्षेत्र में जाएगी, ज्ञानात्मक क्षेत्र में, ठीक है, तो वो उसे इसका अभिज्ञान हो जाएगा, वैसे प्रत्याभिज्ञान हो जाएगा। फिर बात आती है अवबोध की, जब उसे ज्ञान हो जाता है, अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति आवश्यक है। जब उसे ज्ञान हो गया तो आप उसके सामने दो विभिन्न आकृति अगर प्रस्तुत करते हो तो वो इन आकृतियों में अंतर कर सकेगा, एक जैसी आकृतियों को वर्गीकृत कर सकेगा, समझ रहे। तो जब ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, फिर अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति होती है, और अवबोध में वो विभिन्न आकृतियों में या विभिन्न संख्याओं में अंतर कर सकता है। जैसे सम विषम का उसे ज्ञान हो गया, आपने एक ग्रुप बनाया और सम विषम संख्याओं का उन्हें ज्ञान करवा दिया, तो फिर जब अवबोध होगा तो उसके सामने आप जो ही विषम संख्या बोलोगे वो पहचान जाएगा कि ये विषम संख्या है, तो वो आता है अवबोध उद्देश्य में। तीसरा आता है अनुप्रयोग, अब वो उसे काम में किस प्रकार लेता है, ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति होगी, अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति होगी, अनुप्रयोग का मतलब है प्राप्त किए गए ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग में लेना, अप्लाई करना, एप्लीकेशन यानी अप्लाई करना, अनुप्रयोग उद्देश्य का मतलब ये है। जैसे आपने बालक को ज्ञान कराया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो जब वो बाजार से कोई सामान लेने जाता है
तो वो सही मात्रा में सामान ला सकता है, 500 ग्राम या 250 ग्राम उसे लाने के लिए कहा जाता है, तो वो सही मात्रा में ला सकता है, अर्थात उसने उसका अनुप्रयोग करना सीख लिया। तीसरा जो है ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य। चौथा है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है छोटे भागों में तोड़ना। प्राप्त ज्ञान को आप विश्लेषित बच्चों में किस प्रकार से करोगे, बच्चे उस प्रयोग प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कैसे करेंगे, वो अंतर कर सकेंगे। जैसे मैंने उदाहरण बताया ये मात्रा का, तो मात्रा कब आएगी, जब उन्हें ज्ञान हो जाएगा, अवबोध हो जाएगा, अनुप्रयोग वो करना सीख जाएंगे, तो उसे विश्लेषित कर सकते हैं। फिर बात आती है संश्लेषण की, उन टुकड़ों को जोड़ना। संश्लेषण का मतलब एकत्रित करना, संग्रहित करना। तो संश्लेषण भी कब होगा, जब उसे ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग हो जाएगा, तब वो उससे संश्लेषित कर सकता है, यानी विभिन्न जो सामग्री है, विभिन्न जो उसका ज्ञान अलग अलग जगहों से उसे मिला है, उसे संग्रहित करना, उसे एक रूप देना, वो क्या कहलाएगा, विश्लेषण। वो कब होगा, जब ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग ये सब उसे हो जाएगा। बात करते हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन जो है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को जानना ही क्या है मूल्यांकन, कि एक शिक्षक ने जिन शैक्षिक उद्देश्यों को लेकर अपना कार्य, शिक्षण कार्य प्रारंभ किया था, उनकी प्राप्ति कहाँ तक हुई, उसकी जांच करना ही क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। ये सब होने के पश्चात मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति ज्ञात की जा सकती है। तो ये थे ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य। अब बात करते हैं भावात्मक उद्देश्य की, आपके संवेगों से जुड़ी हुई, बालक के संवेगों से जुड़ी हुई। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा जो है बालकों का सर्वांगीण विकास करती है, तो सबसे पहली चीज आती है इसमें आग्रहण, ग्रहण करना। ग्रहण कब करेगा, जब आपने उसे कुछ सिखाया या वो आपका अनुकरण करेगा। कब होगा, जब वो आपका अनुकरण करेगा, आपने उसे कई सारी चीजें सिखाई है, वो उन सब चीजों को सुनता है, देखता है, समझने का प्रयास करता है और उन्हें क्या करता है, ग्रहण करता है। विभिन्न शैक्षिक प्रकरणों को, विषय वस्तुओं को बालक शिक्षक को आदर्श मानकर उनके द्वारा सिखाई हुई चीजों को संवेगात्मक रूप से ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है, आग्रहण कहलाता है। फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया, उसके प्रति प्रतिक्रिया। जैसे आपको बताओ, कोई वैक्सीनेशन जब बच्चों को दिया जाता है, तो वो वैक्सीन क्या करता है, एंटीबॉडीज को बढ़ाता है, ठीक है, और जो कीटाणु या शरीर में कोई वायरसेज है उनको नष्ट करता है। तो जब बालक ने ग्रहण किया, फिर वो उसके प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, अपने भावात्मक स्तर पर, अपने भावात्मक स्तर पर उनको एडजस्ट करने का प्रयास करता है कि ये चीज मेरे पर लागू होगी या नहीं होगी, नहीं होती तो मैं इसे कैसे लागू करूं, ये चीज सीखने लायक है। फिर उसका क्या होता है, अनुमूल्य। जब प्रतिक्रिया होती, फिर बालक को उसको मूल्य देता है। प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक बालक के जीवन में अलग अलग ज्ञान का, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग मूल्य होता है। यहाँ मूल्य से तात्पर्य है कि वो उसे कितनी प्राथमिकता दे रहा है, उस ज्ञान को प्राथमिकता कितनी दे रहा है। जितनी अधिक प्राथमिकता देगा, वो उसका श्रेष्ठ मूल्य में आएगा, ध्यान देना। जैसे कोई बालक शिक्षक को आदर्श मान रहा है, तो वो उसके व्यवहार को प्राथमिकता देता है और उसके व्यवहार को ग्रहण करता है और उसे सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक मूल्य मानता है कि मुझे तो शिक्षक की जैसे ही करना। वैसे ही जब बालक को कोई चीज सिखाई जाती है, कोई ज्ञान दिया जाता है, तो उसका क्या करता है, अनुमूल्यन करता है, उसे मूल्य देता है कि ये श्रेष्ठ मूल्य है, प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, इस प्रकार वो उनका मूल्यन अनुमूल्यन करता है। फिर है व्यवस्थापन, जिसे संगठन भी कहते हैं। अब उन मूल्यों को, जिन्होंने, जिसको बालक ने प्राथमिकता दी सीखने में, उन मूल्यों का वो व्यवस्थापन करता है, उनको क्रम निर्धारित करता है। जैसे मैंने बताया प्राथमिक द्वितीय, वो क्या कहलाता है, संगठन, वो उन्हें विशेष रूप प्रदान करता है। फिर है मूल्य प्रणाली का चरित्रीकरण या विशिष्टीकरण। अब उन मूल्यों को जब उसने एक विशिष्टता दे दी है, एक प्राथमिकता दे दी है, अब उनको प्रकट करता है, यानी सीखे हुए ज्ञान को वो प्रकट करता है। भावात्मक स्तर की अपन बात कर रहे हैं, अपने आचरण के द्वारा वो उन्हें प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है, चरित्रीकरण। जो उसने सीखा है, जैसे उसने कोई ज्ञान, मैंने पहले बताया कि ग्राम, किलोग्राम या दूरी का उसे ज्ञान हो गया कि 1 किलोमीटर में इतना मीटर होता है, 1 किलोग्राम में इतना ग्राम होता है, तो वो उसे प्रयोग करेगा, उसका चरित्रीकरण करेगा, जिससे उसका भावात्मक स्तर का उसे पता चलेगा।
फिर बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष की। क्रियात्मक पक्ष जो है कार्य कौशल से जुड़ा हुआ है। कार्य कौशल, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपके कार्य करने की कला, वो क्रियात्मक पक्ष में आती है। बालक के सभी पक्षों का आपको विकास करना होता है। क्रियात्मक पक्ष में सबसे पहला होता है अनुकरण। जब भी बालक कार्य कौशल की बात आती है तो किसी शिक्षक के द्वारा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा या समाज में जो कार्य कौशल वो देखता है उनका अनुकरण करके सीखता है। जैसे एक कुमार की बात करें, वो मटका बना रहा है तो उसका बालक या जो उससे सीखना चाहता है वो उसका अनुकरण करता है कि किस प्रकार से इसको आकृति प्रदान की गई, चाक को कैसे घुमाया जाता है, वो सारी चीजें किसमें आती है, कार्य कौशल में, इसमें अनुकरण में, जिसमें वो इमिटेट करता है सामने वाले को, जिससे वो सीखना चाहता है, शिक्षक को वो अनुकरणित करता है। अनुकरण करने के पश्चात वो उसके देखा देखी कार्य करता है, हस्त कौशल करता है। जैसे किसी विज्ञान में कोई चित्र बनाया है तो शिक्षक ने उस चित्र को बखूबी बना दिया, लेकिन वो विद्यार्थी से नहीं बन रहा, विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करता है, फिर वो उसे कार्य करता है, उसको कार्य करता है। श्वसन तंत्र का चित्र एक शिक्षक ने बनाया है, बालक ने शिक्षक को बनाते हुए देखा है और उसका अब वो क्या करेगा, कार्य करेगा, वो भी वैसा का वैसा चित्र बनाने का प्रयास करेगा। फिर क्या होगा, यथार्थता या शुद्धता से कार्य करना। अब वहां उसने अनुकरण किया, कार्य किया, लेकिन वो सही नहीं बना पा रहा है तो वो क्या करेगा, यथार्थता और शुद्धता से फिर से प्रयास करेगा, वो उन कमियों को निकालने की कोशिश करेगा जो उसने उसमें वहां रख छोड़ी है। फिर उसके बाद स्पष्ट उच्चारण या परिशुद्धता, कोई भी कार्य है उसका परिशुद्धता का उसे ध्यान में रखना है, बार बार प्रयास करेगा, बार बार उच्चारित करेगा या अभ्यास करेगा बार बार, तो वो उस चीज को परिशुद्ध तरीके से कर पाएगा। फिर आता है प्रभावीकरण या स्वभावीकरण, जब उसे वो एक बार अच्छे से कर लेगा तो वो उसके स्वभाव में अधिगमित हो जाएगी। अब उसे आप दोबारा भी करने के लिए कहेंगे तो वो सही करेगा, वहां वो त्रुटि नहीं करेगा, क्योंकि वो व्यवहार जो है उसका स्वभाव में आ चुका है। तो ये सारी चीजें थी ब्लूम टैक्सोनॉमी के तीनों पक्षों में। तो आपको एक बार दोहरा दूं कि ब्लूम ने, बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है मानव व्यवहार पे किया था। मानव व्यवहार के उसने तीन पक्ष माने थे, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र जो है उसकी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहले ज्ञान है, किसी चीज को जानना, अवबोध, समझ विकसित करना, अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में प्रयोग लेना, विश्लेषण, वर्गीकरण करना, अंतर करना, संश्लेषण, उनको एक रूप प्रदान करना और मूल्यांकन, उनकी जांच करना। भावात्मक पक्ष जो था उसमें बालक जो है संवेगों, संवेदनाओं को अधिक महत्व देता है, जिसमें किए गए कार्य को वो सबसे पहले ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए कोई उद्दीपन हुआ, आपके पाँव में कील चुभी तो आपने पाँव तुरंत हटा लिया, यानी आपने ग्रहण कर लिया कि कील चुभने पर दर्द होता है तो कील से हमें बचना चाहिए। तो उस उद्दीपन के प्रति उसने क्रिया की, ग्रहण किया उसे और उसके प्रति उसने प्रतिक्रिया की। फिर उसने मूल्य दिया कि कील चुभेगी नुकसानदायक है तो हमें पाँव को साइड में ही रखना है। फिर वो एक संगठन बनाया, एक व्यवस्था बनाई अपने दिमाग में, अपने भावात, अपने संवेगों में, कि मूल्यों को मैं किस प्रकार से ऑर्डर दूं, कि सर्वश्रेष्ठता क्या है। जैसे बालक जो है अपने परिवार में माता पिता को श्रेष्ठ मानता है, उनको मूल्य सर्व प्राथमिकता से है, फिर अन्य सदस्यों का, फिर समाज का, ऐसे विद्यालय में अपने साथियों और शिक्षकों को मूल्य प्रदान करता है अलग अलग अपने संवेगों के हिसाब से। फिर उनकी व्यवस्था की जाती है और उनको व्यवहार में आचरित किया जाता है, जिसको चरित्रीकरण कहते हैं। तीसरा पक्ष जो था क्रियात्मक, जो कार्य कौशल से जुड़ा हुआ है, इसमें बालक अनुकरण करता है, कोई कार्य होता है उसे दिखता है तो उसे कार्य को करने की कोशिश करता है, शिक्षक ने कोई वर्क दिया उसे करने की कोशिश करता है। फिर वह हस्त कौशल सीखता है, जैसे चित्र बनाना और कोई कार्य करना हाथों से जुड़ा हुआ। यथार्थता या शुद्धता से कार्य करना, फिर वो उसमें कमी रहती है तो उनको शुद्ध करने की प्रयास करता है और बाद में वो परिशुद्ध रूप प्राप्त कर लेता है। उच्चारण की बात करें तो सही उच्चारण कर लेता है और फिर उसका प्रभावीकरण होता है, यानी वो उसके स्वभाव में अधिगमित हो चुका है, वो उसका स्वभावीकरण हो चुका है, वो उस चीज को नहीं भूलेगा। तो ये थे ब्लूम टैक्सोनॉमी में शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण। ऐसा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे और मेरा प्रयास सफल रहा होगा। धन्यवाद।